नमस्कार मेरे किसान भाइयों, फार्मिंग एसके में एक नए वीडियो के साथ आपका फिर दोबारा स्वागत है। आज हम आसिफ भाई के खेत पर आ गए भाई दोबारा से। आसिफ भाई लसन खुदवा रहा भाई ईख में, ये देख सकते हो कितनी सारी सेना मंडा रखी है। एक बार आसिफ भाई से बात करते हैं किस समय में बुआई करी थी और क्या स्थिति है। लसन देखो जी कितना शानदार हो रहा, इतनी मोटी मोटी गुच्छी है लसन की, जबरदस्त लसन बैठ रहा खेत में भाई के। तो आसिफ भाई जी एक बार अपना पूरा परिचय दो, आप लसन रख दो नीचे साइड में, कोई बात नहीं। अब सभी किसान भाइयों को नमस्कार और सभी किसान भाइयों को सलाम अलैकुम। किसान भाइयों मेरा नाम आसिफ सोनो फरमान, गांव जोड़ा, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। ये बताओ आपने ये कितना लहसन बो रखा, कितने बीघे में बो रखा? सागर भाई हमने जो लहसन बो रखा है ये हमारा लहसन डेढ़ बीघा है, डेढ़ बीघा लहसन बो रखा, डेढ़ बीघा गन्ना है। अच्छा भाई ये और बताओ इसमें आपने कौन कौन सी गन्ने की वरायटी लगा रखी? सागर भाई हमने जो मतलब वरायटी लगाई है 15-0-23 और 0-118 और 15-0-23 आपने लगाई थी। दो वरायटी किस मंथ में लगाई थी ये आपने? लगाई थी हमने जी अक्टूबर के लास्ट में, अक्टूबर यानी कि वो हो गया आपका असोजी गन्ना। असोजी गन्ना, असोजी गन्ने के साथ जब आपने ये लगाया था उसके बाद आपने इसमें लहसुन लगाया? हाँ जी, मतलब हमने सागर भाई हमने जब हमने अपना मुड्ढा कोल्लू में घेर दिया इसमें से, इसकी जुताई करो अच्छी तरीके से लूटर से और टीलर काट के फिर हमने गन्ना बोया। गन्ना बोया हमने 28 इंच पे, देख लो आपके सामने है, देखो जी 28 इंच पे पूरा। अच्छा 28 इंच पे गन्ना बोने के बाद फिर कितने दिन के बाद इसमें लहसुन लगा? इसमें किसान भाई गन्ने में जो दवाई लगाई वो भी हम बता देते हैं। नहीं दवाई नहीं, पहले ये बताओ कि जैसा गन्ना जम गया उसके बाद लहसुन लगाया या पहले? मतलब जब पहले हमने अपना गन्ना बो दिया उसके बाद हमने फिर लहसुन लगाया। अच्छा लहसुन बोने के बाद फिर भर दिया हमने, मतलब गन्ना जमने से पहले बो दिया था? हाँ गन्ना गैलो गैलो तो जरा आज गन्ना बो दिया और कल लहसुन लगा, कल लहसुन लगा दिया। हाँ जी। अच्छा तो जिस टाइम आपने इसमें मतलब बुआई करी थी गन्ने की उस टाइम क्या क्या दवाई डाली उसमें? मतलब हमने डाली थी डिजेंट और थाइमोक्सम, सल्फर और डीएपी डाई। डीएपी और डाई। हाँ जी। देखो किसान भाइयों कितना शानदार ईख निकल रहा लहसुन में भाई का, ये देख सकते हो लहसुन भी बहुत शानदार है। देखो कितने सारे इन्होंने लेबर लगा रखी लहसुन खोदने वाली, ये देख रहे हो सारे खोद रहे हैं। ये देखो 4-5 यहाँ मंडरे और देखो 4-5 यहाँ, ये भी 15-16 इन्होंने लेबर लगा रखे है, बैठी गुच्छे में लेबर और दूर। तो आसिफ भाई एक बात और ये बताओ, हाँ जी बताओ, इस डेढ़ बीघे में आपने दो वरायटी लगा रखी 15-0-23 और 0-118, तो इसमें आप जैसा लहसुन का उत्पादन है आपका, हाँ जी, जो लगभग कितना हो जाओगा? सागर भाई पर के जो तुमने वीडियो बनाई थी किसान भाइयों को दिखाई थी हमारे लहसुन और 0-118 वरायटी थी, तो लहसुन निकलता जी 11 क्विंटल। 11 क्विंटल एक बीघे से कुछ थोड़ा सा शिकर सदा बीस आगे। अच्छा इस बार कितना वो रखा? डेढ़ बीघे इस बार डेढ़ बीघा है। अच्छा लहसुन की मोटाई आपने देखी ली कितनी काफ़ी शानदार है, तो इतना जबरदस्त इतना शानदार, हाँ जी जबरदस्त खेत खड़ा भाई का देख सकते हो सारे, मतलब पौधे देखो आप 18 के कितने शानदार है। हाथी का हमारी भाषा में कहते हैं हाथी का बच्चा निकल रहा, देखो भाई साहब हाथी का बच्चा जैसे ही पौधा निकल रहा, मोटे मोटे पौधे हैं और सारा खेत में कुछ घास भी नहीं। अब इसमें एक नुड़ाई तो तुम्हारी लहसुन की खुदवाने खुदवाने पे ही होगी। हाँ जी, मतलब एक तो लहसुन की हमने मतलब लहसुन पाट दिया और इसे भर दूंगा लहसुन पाटने के बाद। हाँ हमारा छोटा मोटा जो घास है इसे खुरपे से कटवा के ये पहले मशीन से बालूंगा फिर खुरपे से निकलवा के बाहर फेंक दूंगा। और कुछ अलग इसमें कुछ करा हो? बस अलग तो और कुछ नहीं करा, बस इसमें स्प्रे लगाई जी। अच्छा अब इसमें अमिल्डा हुई, अमिल्डा हुई क्या नाम है सागरी का डाल दी नीचे, ये डाल दीजिए। अच्छा हाँ जी, तो देखो किसान भाइयों मजा आ रहा है इसका, तो मजा आ रहा है इसकी, तो चंदी बैठ रही इसकी, तो 3 साल हो गई एक का ईख ले रहा है, लहसन का लहसन ले रहा है, एक डेढ़ बीघे तो दा भी ले मीटर को, तो बिल्कुल सही समय आ गया। अब लहसन कटवाने का ये पड़वाने का सही समय आ गया जी, बिल्कुल फिट वाला के। चलो आज 14 अप्रैल होगी, 14 अप्रैल होगी। ठीक है किसान भाइयों एक बार ये बताओ किस समय पे क्या क्या दवाई इसमें लगाई भाई आपने? जैसा अगर भाई हमने मतलब अपना गन्ना बोने के बाद लहसन लगा दिया, लहसन बोने के बाद फिर भर दिया, भरने के बाद फिर हमने इसमें क्या करा है हमने लुढ़ाई करवा दी, पहले पानी पे लुढ़ाई करवा दी। ठीक है लुढ़ाई के बाद फिर हमने इसमें एरिया डाई और इसमें डाई और क्या नाम है जोल सेल्ट्रा, ये दो आइटम घेरे क्योंकि ब्यांत बहुत अच्छा लगा रहा। चलो टोटल 4 की बाल्टी घेर दी डाई मिलाकर उन्ना बहुत अच्छा, फिर ओमिक एसिड की स्प्रे करी, ओमिक एसिड से मतलब ये हो जाए हमारी धरती खुला होगा सॉफ्ट हो जाए जमीन और उसमें राख वो घेरी, मान लो नॉर्मल तरीके से हमारा गन्ना भी हो गया और हमारा लहसुन भी हो गया। हाँ जी, तो और कुछ इसमें अलग कराओ? अब इसको अलग तो बस ये करना था भाई, इसमें स्प्रे मारनी, इसमें स्प्रे मारनी थार वाली स्प्रे मारनी था पर लैम्डा, चलो जो भी है थार स्प्रे मारनी इसमें और क्या नाम है फिर इसके बाद में डोज लगानी फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मेरा ख्याल जो कर रहा है इसमें राधा, मैं सोच रहा कि मैं रिजेंट डाल दूँ बायर कंपनी की और थाइमोक्सम डाल दूँ चाबी कंपनी की और इसमें सल्फर 80% का और इसमें मतलब क्या नाम है टोटल 4 की बाल्टी ये आइटम मिला के घेर दूँ और उसके बाद मिट्टी चढ़ा दूँगा। ठीक मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर भरूंगा। वैसा मट्टी चढ़ाओगे इस पर भी? हाँ मट्टी चढ़ाऊंगा, गन्ना हमारा गिरने का नहीं क्योंकि 28 इंच पर हमारा गन्ना है।
देखो जी ना तो इसमें कुछ टूट है और ना ही कुछ वैसा है, बिल्कुल जबरदस्त गन्ना खड़ा, कहीं बना रखी सारा, कहीं भी देख लो सारा इंक बड़ा जबरदस्त जमा हुआ है। देखियो एक महीने के बाद तुम इसमें दिखाई नहीं देने गन्ने, एक महीने के बाद वाक्य में दिखाई देने बंद हो जाएगा गन्ने में। अपना बैल है, बैल की करसत करेगा पूरी अपनी जमीन पे, बवाई जोताई बढ़िया तरीके से करेंगे। चलो ठीक है किसान भाइयों जी, नमस्कार। नमस्कार भाई।